हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अमृत एंड वेलकम टू दोसर क्लासेस। आपने आज के लेक्चर में आज मैं एक्सप्लेन करूंगा नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस सी ऑफ अ सर्किल टू इट्स डायमीटर डी। मीन्स आपसे ये कह रहे हैं कि जो आपका रिकॉल करिए, मीन्स जो पुराना फॉर्मूला है उसके बारे में आपको बता रहे हैं कि किसी भी पर्टिकुलर सर्कल की अगर हम बात करते हैं, सर्कल के सर्कमफेरेंस सी और उसके डायमीटर डी को हम कहते हैं पाई। पाई इज इक्वल टू होता है सी बाई डी, यहाँ फॉर्मूले में शो भी किया गया है। पाई इज इक्वल टू सी बाई डी वेयर सी इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल एंड डी इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल। फिर आगे आपसे कहते हैं This seems that the contradict the fact that pi is irrational number. कह रहे हैं कि pi आपका एक irrational number है। Irrational number मतलब होता है ये आपका non-terminating है और आपका further अगर हम बात करते हैं तो आपका non-recurring है। Means terminate भी नहीं हो रहा था, end भी नहीं हो रहा है और reoccur भी नहीं कर रहा है। Continuous infinite series के form में ये आपका एक number होता है। लेकिन further अगर हम बात करते हैं तो c सर्कल का सर्कमफेरेंस है, डी सर्कल का डायमीटर है, तो क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है कि सी एंड डी अगर हम बात करते हैं किस एक रेशनल नंबर के फॉर्म में है और रेशनल नंबर फॉर्म की के लिए आपकी कंडीशन हमने बताई थी। अगर हम ये मीन्स अगर हम बात करते हैं सी एंड डी ये आपके बेसिकली पी बाई क्यू के फॉर्म में है और पी बाई क्यू के फॉर्म में मीन्स रेशनल नंबर के फॉर्म में है और इसकी कंडीशन हमने बताई थी पी एंड क्यू must be integers, and q does not equal to zero. रेशनल नंबर की कंडीशन क्या है? p और q आप इंटीजर्स होना चाहिए, q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि पाई एक इरेशनल नंबर है, c by t एक रेशियो के फॉर्म में है, मींस रेशनल नंबर है, तो क्या इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है? और अगर नहीं तो ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे आ रहा है? चलिए इसको बताते हैं। अब देखिए यहां पर इन्होंने कहा कि कोई सर्किल है, उस सर्किल के सर्कमफेरेंस को हम सी से डिनोट करते हैं और सर्किल के डायमीटर को हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सर्कमफेरेंस की बात कर रहे हैं या डायमीटर की बात कर रहे हैं, ये एक आर्बिट्रेरी डायमीटर है। इसके बारे में एग्जैक्ट वे में कह पाना कि सी एंड डी आपके रेशनल फॉर्म में ही है या सी एंड डी आपके किसी इंटीजर फॉर्म में ही है, ये एक कंफर्म नहीं है। इसलिए अगर सी एंड डी किसी भी सर्किल की अगर कि अगर सर्कमफेरेंस सर्किल के डायमीटर के टर्म में बात करते हैं तो ये एक एक आर्बिट्रेरी नंबर के फॉर्म में है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हम कह सकते हैं कि पाई एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि सी एंड डी के बारे में हमसे ये नहीं कहा गया है कि सी एंड डी इंटीजर ही है। तो इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे कि दिस इज नॉट अ कंट्राडिक्शन बिकॉज सी एंड डी आइदर बोथ सी एंड डी Either both or any one of them may be irrational. Means C या D में से कोई भी एक इरेशनल हो सकता है या सी और डी दोनों इरेशनल हो सकते हैं। जब तक हमें ये चीज कंफर्म नहीं बताई जाएगी तब तक हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सी एंड डी एक बाद में हमें कंडीशन ये नहीं दी गई है कि सी एंड डी आर इंटीजर्स एंड डी डज नॉट इक्वल टू जीरो। जब तक हमें ये नहीं कहा जाएगा तब तक ये कॉन्ट्राडिक्शन का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि किसी सर्किल के अगर हम सर्कमफेरेंस या डायमीटर की बात करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेट डायमीटर के टर्म में हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर आया हुआ होगा। फिर से समझ लीजिए क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सी एंड डी के बारे में हमसे ये नहीं कहा गया है कि सी एंड डी आर रेशनल नंबर्स और इंटीजर्स। जब तो सी एंड डी अगर आपके में से कोई एक भी अगर आपका इरेशनल होगा तो अल्टीमेटली आपका जो रेशियो है वो आपका
इरेशनल फॉर्म में ही कंसीडर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए आपको हमने दो मेथड बताए थे लास्ट एक्सरसाइज में, आपको बताया भी था। जब कभी नंबर लाइन पर किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है और बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर, तो सिंपली आप क्या करते हो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते जाते हो। जब रूट टू, रूट थ्री, रूट फोर तक है तब तो ठीक है, लेकिन रूट 9.3 थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। तो इसके लिए हमने आपको सेकंड मेथड बताया था। सबसे पहले एक आप लाइन खींचिए, उस लाइन स्ट्रेट लाइन लीजिए, इस लाइन की लेंथ आप ले लीजिए 9.3 आपने इसकी लेंथ ले ली, सेंटीमीटर में ले, चलिए ले लेते हैं, सारे डायमेंशन हम सेंटीमीटर में कंसिडर करते हैं। इसको एक पॉइंट कह दिया ए, सेकंड पॉइंट हमने कह दिया बी। अब इस पर्टिकुलर बी पॉइंट से आगे हमने 1 सेंटीमीटर की लाइन हमने एक और ड्रॉ कर ली, ये लाइन हो गई 1 सेंटीमीटर की, और इस पॉइंट को हमने कह दिया सी। ठीक, अब इस ए और सी के लेंथ की बात करें तो यहां पर कितना हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू आपका होगा ए बी प्लस बी सी, और यहां से आपका हो जाएगा ए बी कितना है 9.3, बी सी है 1, टोटल आपका हो जाएगा 10.3। अब इस 10.3 लेंथ का मिड पॉइंट कहां पर आएगा, मिड पॉइंट इसका यहां पर कहीं आपका लाई करेगा। तो मिड पॉइंट जहां लाई कर रहा है, इस पॉइंट को हमने कह दिया ओ। और अगर ओ के टर्म में बात करते हैं तो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू 10.3/2, मींस आपका यह हो जाएगा 5.15। ठीक, तो 5.15 के डिस्टेंस पर आपने यहां पर एक ओ पॉइंट ले लिया। अब इस ओ पॉइंट को 5.15 पॉइंट पर हमने ए ओ के डिस्टेंस के रेडियस ली, सेंटर पे कंपास लिया, और कंपास से हमने एक ये आर्क एक ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक, जिसकी रेडियस हमने नाइन, आपने 5.15 ले रखी है। इसकी अगर हम रेडियस की बात करते हैं तो 5.15 है। अब इसी रेडियस पर आपने क्या किया, बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया आपने। और जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, आप ये पूरी प्रोसेस स्केल और कंपास से करिएगा, तो आप देखेंगे जो ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर रखा है, इसको अगर हम लेते हैं बी डी, तो बी डी इज इक्वल टू, जब आप मेजर करोगे तो आपको इसकी लेंथ दिखेगी अंडर रूट 9.3। अब यहां पर जो डिस्टेंस है यह आपकी हो जाएगी रूट 9.3। अब रूट 9.3 को हमें नंबर लाइन में प्लॉट करना है। नंबर लाइन प्लॉट करने का सिंपल सिंपल मेथड, यहां पर आपने लिया बी पॉइंट, ये आपका जीरो पॉइंट था। अब यहां पर लाइन को हमने आगे एक्सटेंड करते चले, पॉइंट वन है ये, पॉइंट टू हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, फोर हो जाएगा, एंड सो ऑन, ये पॉइंट आपके आते हुए आगे होते जाएंगे। इसको हम इस लाइन फॉर्म में ड्रा कर लेते हैं, ये आपके पॉइंट हो जाएंगे। अब जब हमने यहाँ बी को सेंटर माना, एक आर्क लिया, और आर्क लेके जब हमने इसको ड्रॉ किया, तो हमने देखा ये कुछ हमारा एक इस फॉर्म में यहाँ पर थ्री के आगे एक प्रोजेक्ट हो रहा था। तो बी से लेकर के ये जो यहाँ पॉइंट प्रोजेक्ट हो रहा है, इसको अगर हम जी कह दें, तो बी जी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा अंडर रूट 9.3। ये आप इजली प्लॉट कर सकते हो। फर्स्ट मेथड जो बताया था उसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था, थोड़ा सा हो सकता है टीडीएस आपको लगता हो, ये और सिंपल मेथड है। सबसे पहले आपने जितनी डिस्टेंस थी उतनी डिस्टेंस की लेंथ लाइन खींची, 1 सेंटीमीटर ऐड किया, सेंटर दे लिया, सेंटर हमने हो गया 10 पॉइंट आपका 5.15 पर, 5.15 की रेडियस लेके आपने एक आर्क को ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद में जो बी पॉइंट था वहां से परपेंडिकुलर आपने खींचा, ये आपकी लाइन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर खींचना आता होगा। थी एक, सबसे पहले आप आर्क लोगे अपने कंपास से, फिर आपने उस पर कट मार, एक दो तीसरा कट ये आएगा, यहां से आप कट करोगे, एक आर्क से कट ये आएगा, सेकंड कट आपका एक इस पॉइंट से कट है और यहां से कट है लिया, जहां पर मीच करेगा बी पॉइंट से आप परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दोगे, वो हो जाएगी परपेंडिकुलर। ये डिस्टेंस अंडर 9.3, और ये आपने जब यहाँ ड्रॉ किया तो बी जी इज इक्वल टू रूट 9.3, ये पॉइंट आपका ड्रॉ हो जाएगा। आई थिंक समझ में आगे आपको आ गया होगा। लेक्चर अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।